आयो लाल सभई चयो, आयो लाल सभई चयो, असान जो है मुकालाणी, असान जो है मुकालाणी, भारत माता की, भारत माता की। अमर बलिदानी हेमू कालानी जन्म शताब्दी समारोह के इस कार्यक्रम के अवसर पर सौभाग्य से हमें मार्गदर्शन देने पधारे परम पूजनीय सरसंघ चालक श्रद्धेय डॉक्टर मोहन राव भागवत जी, माननीय क्षेत्र संघ चालक श्री अशोक जी सोहनी, महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम जी, संत खिम्यादास जी अध्यक्ष राष्ट्रीय सिंधु सभा समाज, संत युधिष्ठिर लाल जी, संपूर्ण संत समाज उनको मैं प्रणाम करता हूं, आदरणीय लदाराम नागवानी जी, भगत राम छावड़ा जी, महेश जेठमलानी जी, मोहन मंगनानी जी, भगवान दास सबनानी जी, हमारे सांसद शंकर ललवानी जी, विधायक अशोक रोहाणी जी, आदरणीय मंच, वो हस्तियां जिनको आज सम्मानित करके हम स्वयं धन्य हुए हैं, और यहां उपस्थित मेरे बहनों और भाइयों, मोहिंजा प्यारा भावरो बहनरो और मोहिंजा प्यारा भाणे जाए भाणे जियू, तमा सबनी जो मध्य प्रदेश में दिल जी गहराई उन सा स्वागत करे रही हो आइया। आज सबसे पहले हम सब अमर शहीद हेमू कालानी जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, और मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं सिंधु सभा को, जिन्होंने ये जन्म शताब्दी समारोह का आयोजन किया। केवल 19 वर्ष की उम्र में जो हंसते हंसते फांसी के फंदे पे झूल गए हो, और मरते समय एक ही प्रार्थना की कि फिर से जन्म लूं और भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ूं, और इसलिए उनके जन्म शताब्दी समारोह को मनाना ही हमारा धर्म है। पूजे न गए शहीद, पूजे न गए शहीद तो फिर ये मंत्र कौन अपनाएगा, तोपों के मुंह से कौन अकड़, छातियां अपनी अड़ाएगा, चूमेगा फंदे कौन, गोलियां कौन वक्ष पे खाएगा, अपने हाथों अपने मस्तक फिर आगे कौन बढ़ाएगा, पूजे न गए ये वीर तो फिर ये बीज कहां से आएगा, धरती को मां कहकर माटी माथे से कौन लगाएगा। उनको प्रणाम। आज मैं इंदौर के उन भाइयों और बहनों को भी जो असमय काल के गाल में समा गए, मैं इंदौर से होके आ रहा हूं, रात से ही मैं वहां संपर्क में था, सवेरे गया, घटना स्थल पर भी गया था, हमारे कुछ भाई बहनों को हम बचा नहीं पाए, मैं उनके चरणों में भी श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, अत्यंत और प्राचीन महान राष्ट्र हमारा, हजारों साल पुरानी हमारी संस्कृति, अभी प्रदर्शनी का उद्घाटन परम पूजनीय सरसंघ चालक जी ने किया, मैंने भगवान दास जी से कहा कि जितने लोग आए प्रदर्शनी देख के जरूर जाएं, आप जरूर जाना, कितनी प्राचीन है हमारी संस्कृति। ऋग्वेद में उल्लेख है, सिंध अश्वों में समृद्ध है, सुनिर्मित आभूषणों में समृद्ध है, अन्न से समृद्ध है, सदैव नवीन ऊन से समृद्ध है, पौधों से समृद्ध है, पवित्र सिंधु के तटों पर मधु से भरे पुष्प खिले हुए हैं, वो अपनी संस्कृति, अपनी संस्कृति, अपनी परंपराएं, अपने जीवन मूल्य, अपने महापुरुष, और महापुरुष भी हर क्षेत्र में, चाहे आप संत देख ले,
मैं समस्त संतों को प्रणाम करता हूं। आप क्रांतिकारी देख लें, समय में अधिक नहीं लूंगा, परम पूजनीय सरसंघ चालक जी को हम सुनेंगे। हमारे क्रांतिकारी, हमारे समाज सुधारक, हमारे समाज सेवी, हमारे उद्यमी, हमारे राजनेता, महापुरुषों की एक मालिका दी है सिंधी समाज ने। एक दर्द जरूर हमारे सीने में हमेशा रहता है, हमें अपनी जड़ों को छोड़ना पड़ा, लेकिन वो भी मैं आपको प्रणाम करता हूं इसलिए कि अपने धर्म के लिए, अपनी संस्कृति के लिए आपने अपनी धरती छोड़ दी, अपनी धरती छोड़ दी, ये धर्म और संस्कृति के लिए छोड़े, और इसलिए आप सब सचमुच में अभिनंदनीय है। और आने के बाद कई बार मैं भाव विभोर हो जाता हूं, कितनी मेहनत से, कितने परिश्रम से हमारी कटनी में, जबलपुर में, इंदौर में, भोपाल में हमारे सिंधी समाज के भाई बहन आए, लेकिन परिश्रम और उद्यमशीलता में उनका कोई मुकाबला नहीं है। शून्य से शुरू किया, जीरो से शुरू किया, लेकिन जीरो से शुरू करके उन्होंने नया संसार रच दिया। मैं अपने बचपन की घटना सुनाता हूं। मैंने अपने समाज के एक भाई को पहले मॉडल स्कूल टीटी नगर के पास हाथ ठेले में कबीट, बेर और मूंगफली बेचते हुए देखा। कुछ दिनों के बाद वो हाथ ठेले के बजाय फुटपाथ पर दुकान उन्होंने लगाई, बाद में उनकी अपनी दुकान हो गई और वो दुकान अब बड़े व्यवसाय में परिवर्तित हो गई। ये चमत्कार सिंधी समाज ही कर सकता है। अपने ग्राहकों का आदर सम्मान, ज्यादा बेचो, ज्यादा बेचो और उससे कमाई करो, अधिकतम बिक्री और न्यूनतम लाभ के सिद्धांतों पर चलने वाला ये सिंधी समाज हर संकट का सामना करके भी उठ के खड़े रहने की सामर्थ्य रखता है। मैं आज केवल इतना निवेदन आपसे करना चाहता हूं कि हम अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, अपनी भाषा, अपनी वेशभूषा, अपने खान पान को ना भूलें। सिंधी कितनी मीठी भाषा है, आनंद आ जाता है सुनकर सचमुच। और मैं जो पारंपरिक खान पान भी देखता हूं, मेरी बड़ी दोस्ती है सिंधी समाज में, भगवान दास ही मेरे बचपन के मित्र, कई वर्षों से हम साथ काम कर रहे हैं। आज भी मिठो लोलो, कोकी, भौरी, माजून मिठाई, साटा, सिंगार जी बर्फी, दाल पकवान, सिंधी कड़ी चावल, बात ही अलग है। और इसलिए नौजवानों से भी मेरा कहना है, अपनी भाषा ना भूलें, अपना खान पान ना भूलें, अपनी संस्कृति ना भूलें, अपने महापुरुष ना भूलें, जड़ों से जुड़े रहें। केवल एक बात और कहते हुए, क्योंकि जब मैं यहाँ आ रहा था तो मुझे सिंधी समाज के मित्रों ने ये कहा कि नहीं, कुछ चीज़ें ऐसी जो करनी बहुत ज़रूरी है। वैसे तो जब भी आवश्यकता पड़ी, महाराज जी शंकर ललवानिया बैठे हैं सांझ, सिंध से हमारे वो भाई बहन जिनके वीजा की अवधि समाप्त हो गई थी, मुझे मिले, ये लेके आए शंकर ललवानिया इंदौर एयरपोर्ट पर, और वहां पुलिस के अफसर और बाकी प्रशासन कह रहा था अवधि पूरी हो गई, ये वापिस जाएंगे, लेकिन मेरी बेटियों की आंखों में आंसू थे और उन्होंने कहा जान भले ही चली जाए, अब हम लौट के वहां नहीं जाएंगे जहां पाकिस्तान राज, नहीं जाएंगे वहां लौट के जाएंगे। तो मैंने वहीं बुला के कहा था कलेक्टर एसपी को, वीजा की अवधि समाप्त हो जाए तो हो जाए, ये यहीं रहेंगे, यहां से नहीं जाएंगे किसी भी कीमत पर। और मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करता हूं कि अब तो नागरिकता प्रदान करने का अभियान युद्ध स्तर पर चल रहा है मेरे बहनों और भाइयों। लेकिन उसके अलावा भी, आपने सिंध छोड़ा होगा, लेकिन आज मैं गर्व से कहता हूं सारा हिंद आपका है, सारा हिंदुस्तान आपका है। अभी जब हम बात कर रहे थे तो मुझे जो भारतीय सिंधु सभा ने ज्ञापन दिए, अलग अलग कुछ चीजें चाहिए, केवल उनका मैं उल्लेख करूंगा। आपने कहा मध्य प्रदेश के स्कूली शिक्षा पाठ्यक्रम में सिंधुपति सम्राट महाराजा दाहिर सैन
क्या क्या सम्राट थे, अंतिम हिंदू सम्राट। और उनकी दोनों बेटियों ने कैसे युक्ति और बुद्धि से शत्रुओं को परास्त किया था हम सब जानते हैं। तो आपने कहा उनकी हेमू कालानी जी और अमर शहीद भगत कंवर राम जी का जीवन परिचय पाठ्य पुस्तकों में सम्मिलित किया जाए, मध्य प्रदेश की पाठ्य पुस्तकों में इनके जीवन चरित्र सम्मिलित किए जाएंगे। एक सिंधु नदी के किनारे यह हिंदू सभ्यता और संस्कृति विकसित हुई। एक कार्यक्रम सिंधु दर्शन का पहले 2018 के पहले उसके लिए अनुदान देते थे, वो भी मध्य प्रदेश ने शुरू किया था, लेकिन बीच में सरकार चली गई, फिर कोविड आ गया, तब से वो बंद हो गया। अब फिर से हम फैसला कर रहे हैं, इसी मई के गर्मियों में ही होता है सिंधु दर्शन का कार्यक्रम, जून में। तो जून में अब जो भी हमारे भाई बहन या बेटे बेटी सिंधु दर्शन के लिए जाएंगे, 25,000 रुपया अनुदान प्रति तीर्थ यात्री दिया जाएगा। हमारी भाषा लगातार समृद्ध होती रहे, इसे सिंधी साहित्य अकादमी का गठन हुआ, लेकिन बजट थोड़ा कम है मुझे बताया, तो मुझे इसमें लिखा है कम से कम 5 करोड़ तो कर दो। तो ठीक है 5 करोड़ कर देते हैं, सिंधी के लिए 5 करोड़ कौन सी बड़ी बात। एक और बात मुझे कही कि प्रदेश के सिंधी बाहुल्य क्षेत्रों के मुख्य मार्गों चौराहों के नाम अमर बलिदानी हेमू कालानी जी के नाम पर, हमने पिछले दिनों ही फैसला किया उनके जन्म दिवस के अवसर पर कि भोपाल में मनुआ भान की टेकरी पर अमर शहीद हेमू कालानी जी की प्रतिमा लगाई जाएगी। और इसके अतिरिक्त भी जबलपुर इंदौर में भी हम फैसला करेंगे कि कौन सा उपयुक्त स्थान है जहां अमर शहीद हेमू कालानी जी की प्रतिमा स्टैचू लगाया जाए, ताकि वो हमें प्रेरणा देते रहें। एक बात और मेरे मन में है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, और वो ये है कि हमारी संस्कृति सम्राट दाहर सेन से लगा के आज तक, मैं एक एक महापुरुष के नाम नहीं ले रहा, संतों के नाम नहीं ले रहा, यहाँ प्रदर्शनी में सब है, लेकिन अगर एक स्थान ऐसा हो जाए, प्रदर्शनी तो अस्थाई है, आज फिर ये हट जाएगी, प्रदर्शनी लगानी पड़ती है, लेकिन हम मध्य प्रदेश में आपसे चर्चा करके एक ऐसा संग्रहालय बनाएंगे जहां सम्राट दाहिर सेन से लगा के आज तक के हमारे जो महापुरुष हैं उनका जीवन चरित्र, सिंधु सभ्यता और संस्कृति को दर्शाया जाए, ऐसा सिंधी संस्कृति का संग्रहालय मध्य प्रदेश में बनाया जाएगा, आपके साथ विचार विमर्श करके। और अंत में एक कष्ट है हमारा, एक दर्द है हमारा जो कभी कभी हम व्यक्त करते हैं, वो है सिंधी पट्टों की समस्या का समाधान। कई दिनों से ये बात चल रही है और मांगते हैं प्रमाण कि कोई सबूत लाओ, प्रमाण लाओ। अब कई तरह के सबूत और प्रमाण नहीं है। आज मैं एक साथ चाहे कटनी हो, चाहे जबलपुर हो, चाहे भोपाल हो, चाहे इंदौर हो, कोई भी शहर हो, आपके सामने ये बात रखना चाहता हूं कि हम 1614 वर्ग फिट के जो मकान बने आवासी में, भोपाल की कीमत अगर उसकी बताऊं, जो उसकी गाइडलाइन रेट है, तो वो है 1,08,00,000। अब हम इसको केवल 1% मूल्य लेके और ये पट्टे स्थायी रूप से दे देंगे, वैधानिक अधिकार आपका हो जाएगा। अब 1,08,00,000 के आपको 1,08,000 देना पड़ेंगे। 2,152 वर्ग फुट का आवासीय अगर प्लाट है तो भोपाल सीहोर मार्ग पर उसकी कीमत 1,44,00,000 है, वो 1,44,000 में देके परमानेंट आपका वैधानिक अधिकार हो जाएगा। और 215 वर्ग फुट की जो व्यवसायिक दुकान है उसके केवल 72,000 रुपया लेंगे। और मैं ये नॉमिनल राशि इसलिए,
कि हम बाकायदा वैधानिक अधिकार दें, ये भीख नहीं है, ये आपका अधिकार है मेरे बहनों और भाइयों। बोलिए सब तैयार हैं? सब तैयार हैं तो ये देने का फैसला करें। आज ही इसके आदेश निकालने की मैंने व्यवस्था कर दी है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। एक बार मैं फिर अमर शहीद हेमू कालानी जी के चरणों में प्रणाम करता हूं, आप सबका यहां फिर स्वागत करता हूं। हमारे परम पूज्य सरसंघ चालक जी, जिनके शब्द हमें प्रेरणा भी देते हैं और सही दिशा भी देते हैं, उनका मार्गदर्शन हम सुनेंगे। मेरे साथ एक बार फिर बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, अमर शहीद हेमू कालानी की, आयो लाल सबई चयो, असान जो हेमू कालानी। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।